जनपद अलीगढ़ के वैदिक आश्रम आर्य समाज मंदिर में मंगलवार 21 मार्च से योग शिविर का शुभारंभ हुआ। इसमें दूर दूर से योग सीखने के लिए लोग आ रहे हैं। समय समय पर यहाँ योग शिविर का आयोजन होता रहा है। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखिए। साथियों नमस्ते, आइए मैं इस समय जनपद अलीगढ़ के वैदिक आश्रम आर्य समाज मंदिर में हूँ। यहाँ आज योग शिविर चल रहा है, जो योग के महाशय श्री सौदान सिंह आर्य ने पहले घोषणा की थी कि ये 21 से 24 तक चलेगा। आज मैं यहाँ वैदिक आश्रम में हूँ और यहाँ योग चल रहा है, तो हम यहाँ जो योग करने वाले लोग हैं और योग शिक्षक हैं, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे योग के संदर्भ में क्या होता है। डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। मात्र हाथ को यो रखना ये रखना कोई, जब आपका हाथ बार श्वास ले ले तो यहाँ उसकी दूनी मैं वही सूर्य बार श्वास फिर बात चाहिए, फिर बाई कलर से आप शयन कर, बाई कलर से आपको शयन करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमारी जो उधर है छोटी हाथ जो है हमारी उधर इधर है, ये सक्रिय होगा। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और क्या है कार्यक्रम मैया। मैं शौदान सिंह आर्य योग शिक्षक, आज से हमारा योग शिविर का कार्य पूर्व घोषणानुसार प्रारंभ हुआ है। आज हमने योग का कार्य कराया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी योग जो कार्यक्रम है ये चलता रहे और आप लोग सभी आए, मैं इनका धन्यवाद चाहता हूँ, ये करता हूँ। और 21 तारीख से 24 तारीख तक निरंतर निर्बाध गति से ये हमारा योग का कार्यक्रम चलेगा, आने वाले सब इसमें लाभ ले सकते हैं। इतने विषय पहले आपका परिचय और फिर योग के संबंध में। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं ITI रोड बरौला जाफरवा से आया हूँ योग क्रिया सीखने के लिए। और आज जो भी हमें श्री सौदान सिंह आर्य जी से सीखा वो बहुत अच्छा लगा और मैं उससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। तो ये क्या करेंगे आप लोग योग यहाँ शिविर में आकर के, बस ये 4 दिन ही करेंगे या इसके बाद में जीवन में भी होता रहेंगे? वो तो आगे भी करते रहेंगे हम तो। बहुत धन्यवाद, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेर सिंह आर्य है और योग से वैसे मैं पहले से भी जुड़ा हुआ हूँ, आज देख करके बहुत अच्छा लगा और डेली न्यूज का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिससे कि हमारा ये कार्य जो है आगे प्रचार प्रसार इसका होता रहेगा और होता रहता है। डेली न्यूज बार बार हमें इस कार्य में सहयोग करते रहते हैं। योग तो हमारी ऐसी विधा है कि ये तो प्राचीन काल की विधा है और हम तो योग से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन आज जब उनका योग देखा तो इसमें थोड़ा सा और काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले ये बताते हैं कि योग बाबा रामदेव ने चलाया, तो उसके संबंध में आपको क्या कहेंगे, योग अभी चलाया या योग नहीं? नहीं नहीं, ये बाबा रामदेव जी खुद कहते हैं योग मैंने नहीं चलाया, योग तो बहुत पुरानी विधा है ये और योग तो हमारी ऋषियों की परम्परा है, ऋषियों की देन है। और ये योग तो जो पतंजलि महाराज थे, पतंजलि योग दर्शन में पूरा उनका विशेष किया, बाबा रामदेव जी ने तो उसका अनुभव किया हमें बताया। तो क्या ऐसा लगता है कि आर्य समाज के अलावा और भी कोई ऐसी संस्था है या ऐसा कोई वो है जो योग पर ज़्यादा ध्यान देता है? नहीं, आर्य समाज तो देते हैं, आर्य समाज के साथ साथ बहुत सारी संस्थाएँ। तो डेली न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे 21 से 24? डेली न्यूज के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा, ये कार्य हमारा प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे दैनिक 21 तारीख से यानी आज से प्रारंभ हुआ है और 24 तक अनवरत चलेगा।
तो मैं इसीलिए यही कहना चाहूँगा कि लोग अधिक से अधिक इस कार्य में भाग लें, और इसका जो पता है हमारा वैदिक आश्रम रामगढ़ रोड पर है, ये कार्यक्रम यहाँ होगा, डेली होगा ये कार्यक्रम। चार डेली मेरा भी नमस्ते।